रमन सिंह जी पहला कार्यकाल उनका अच्छा था, लेकिन वो भी कार्यकाल उनको मिला था, वो विद्याचरण शुक्ला और राष्ट्रीय एनसीपी के कारण उनको मिला था, 7% वोट उन्होंने काट दिए थे। और दूसरा कार्यकाल जो है वो केवल दूसरा कार्यकाल उनको चाउर वाले बाबा के रूप में जो उनकी प्रसिद्धि हुई थी जी उसके हाँ कारण मिली, लेकिन उसी के बाद से वो नौकरशाही की पूरी गिरफ्त में आ गए। जबकि भूपेन बघेल 4.5 साल होने जा रहा है, वो अभी भी नौकरशाही की पीठ पर ऐसे सवार हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके आदेशों को दरकिनार कर दे या उसको अनदेखा कर दे। तो ये उनका से दूसरा, वो जो अभी गांव गांव जा, हर विधानसभा जा रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं, लगभग 90 विधानसभा हो, एक दो छोड़ करके 90 विधानसभा हो के आ चुके हैं, और वहाँ नेक टू नेक बिल्कुल आदमी से रूबरू बात कर रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं, उसमें लोग अपनी तकलीफ बता रहे हैं। वहां वो जो घोषणा कर रहे हैं वो तुरंत बैक टू बैक पूरी होती चली जा रही। इसका भी एक भारतीय जनता पार्टी में भी क्या है, चिंता है क्या, अभी यही तय नहीं। पहले उन्होंने कुर्मी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, फिर उनको लगा कि ये अब भूपेश बघेल के तुलना में धरमलाल कौशिक काफी 18, 19, 17 साबित हो रहे हैं, तो उन्होंने साहू समाज को अरे उठाने के लिए, साथ में लेने के लिए इनको बनाया, अरुण साहू जी को। पर प्रयोग ही चल रहा है वहां, और नीचे ये जो संघ का जो कार्यकर्ता, शशिकांत जी, आबादी वाइज आप बताएंगे हाँ कि आबादी वाइज परसेंट ऑफ जनसंख्या के अनुसार से आपका तो आदिवासियों का इलाका है बिलासपुर, वो तो बस्तर, ये सारा, तो हाँ किसका सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत है वहां पे, किस कास्ट का, किस समुदाय का? छत्तीसगढ़ में कुल 39 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें जी 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है और 10 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए है। और अपने आप जो बस्तर बस्तर का इलाका है, और जो सरगुजा का इलाका है, ये लगभग आदिवासी बाहुल्य इलाका है। पिछले चुनाव में बस्तर की 12 सीटें थी, उसमें केवल एक सीट में भीमा मंडावी जीते थे, और उनके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जीत गई। सरगुजा की 14 सीटों में से 14 की 14 सीटें भाजपा हारी थी। तो ये जो दोनों आदिवासी एरिया जो ने सरगुजा और बस्तर संभाग, माने कुल मिला के यहाँ 24 भारतीय सीटें, जनता, कुल मिला के 24 सीटें थी, सरगुजा बस्तर मिला हाँ के, और कांग्रेस के पास है वो। हमारे सरगुजा और बस्तर मिला के, और अभी जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर अब क्या ठीक, उन्होंने आदिवासी दिवस के दिन विष्णुदेव साय को हटा दिया, अब नंद कुमार साय चले गए कांग्रेस में, तो ये हाँ सब वो अभी बहुत बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा खेल हुआ वो। हाँ भाजपा के लिए बहुत। और अभी उसकी सीटें क्या है, 14 है, 14 से बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ा पाएंगे भाई, अभी उनकी स्थिति है 14, क्या यथास्थितिवाद के लिए संघर्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो 14 से जी कितना बढ़ाएंगे, जो स्थिति ऐसी दिख नहीं रही है कहीं भी। जो उसका मुएन कैडर है भाजपा का, वो अपने पार्टी से पूरी तरह असंतुष्ट है, उसमें कोई उत्साह नहीं है। और अभी जो कर्नाटक में जो हुआ है उससे जो कैडर को हवा भर रहे थे वो हवा फिर निकल गई। मैं समझाना वहां चाहूंगा एक लाइन में कि जो स्थिति जैसे पहले अमिताभ बच्चन की होती थी, 1 से 9 तक वही थे, 10वें में फिर अनिल कपूर और ये होते हो सब आते थे, अभी पोजीशन आज की अच्छा, तारीख पर वही है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के अमिताभ बच्चन भूपेश बघेल ही है, और और उनको भी केवल देश के अमिताभ बच्चन मोदी जी हैं कि नहीं अभी? नहीं मोदी जी का, तो अभी आप लोग ज्यादा जानेंगे, दिल्ली में बैठे हैं, नहीं देश में, छत्तीसगढ़ में, देश में है। छत्तीसगढ़ में मेरे को याद है उन्होंने एक बार बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में आए थे, एक आम सभा ली थी उन्होंने, और उसमें धरमलाल कौशिक अध्यक्ष विधानसभा के, सिर्फ सिंगल विधानसभा में उन्होंने लोगों को संबोधित किया था, और धरमलाल 10,000 वोट से हारे थे, कौशिक ये मतलब अध्यक्ष 10,000 वोट से हारे थे। वहां अब उनके इससे छत्तीसगढ़ एक तरह से हिंदी देखिए सिनेमा स्टेट के लिए साउथ है, वहां अमिताभ में बच्चन जब तक नहीं, कोई रजनीकांत है लीडरशिप नहीं वहां। रहेगी, स्टेट में इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, इन्होंने किसी को प्रमोट नहीं किया है, बिहार में वही पोजीशन है, यहाँ छत्तीसगढ़ में वही पोजीशन है, मध्य प्रदेश थोड़ा बेहतर है, मगर छत्तीसगढ़ में अभी तक रमन सिंह रहेंगे, हाँ मैं चेहरा वही वही जयपुर रहेगा। सुदेश जी के पास आना चाहता हूँ।